आप हमारे चैनल ट्यूटोरियल स्पेस को बीटेक बी यूनिवर्सिटी एग्जाम कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन हिंदी लेक्चर्स एंड नोट्स के लिए सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों टॉपिक चल रहा है हमारे पास प्रेडिकेट्स एंड क्वांटिफायर का, ठीक है। इसके अंदर हम पिछले टॉपिक्स में कर चुके हैं कि प्रेडिकेट्स क्या होते हैं, क्वांटिफायर्स क्या होते हैं, ट्रुथ सेट क्या होते हैं, आइडेंटिकल ट्रुथ सेट क्या होते हैं। देन हमने इसके अंदर देखा था कि किस कंडीशन में आके ये ट्रू होंगे या फॉल्स होंगे। टॉपिक आता है नेगेशन ऑफ क्वांटिफायर। सिंपल सी चीज जो बड़ी बता रही, नेगेशन ऑफ क्वांटिफायर। हमारे पास क्वांटिफायर क्या होते हैं, ये और एक ये, ठीक है, जिसे हम इसे क्या कहते हैं, यूनिवर्सल क्वांटिफायर, और इसे हम क्या कहते हैं, एसेंशियल क्वांटिफायर। बट एक चीज याद रखिएगा, कई बुक्स में इसको एग्जिस्टेंशियल लिखा हुआ है, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, ठीक है। तो कुछ भी ले सकते हैं, बात वही है कि हर कोई अपनी तरीके देखना चाहता है, एसेंशियल क्वांटिफायर, ठीक है। तो अब हमें इनका नेगेशन करना है। जैसे हम नेगेशन करते किसी प्रपोजिशन का कर लेते पी क्यू एक्स किसी का भी, इसी तरीके से हमें इनका नेगेशन करना है। तो उसके रूल क्या कहते हैं, हम चलिए वो देखते हैं और देखेंगे कि नया कंसेप्ट जो लाया है वो कैसे काम करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए नेगेशन मुझे निकालना है, मुझे ये कहा गया है कि आप नेगेशन निकालो। सपोज करो कि फॉर ऑल एक्स पी एक्स इज ट्रू, ठीक है, या नेगेशन निकालना है आपको देर इज एक्स फॉर पी एक्स इज ट्रू, ठीक है जी। ये दो चीजें होती है, इनके नेगेशन निकालने हैं, ठीक है जी। तो पहले बता दूं इसका नेगेशन क्या निकलता है हमारे पास। अगर हम कह रहे हैं फॉर एवरी एक्स, तो हमारा हम इसका नेगेशन उल्टा क्या कर देंगे, फॉर सम एक्स या फॉर एक्स या सिंपल एक्स देर इज फॉर देर इज देर एग्जिस्ट एक्स फॉर विच पी एक्स इज ट्रू, हम ये करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे इसका नेगेशन कर रहे हैं, तो इसकी जगह आएगा ये और इसकी जगह आएगा ये। देखिए दोनों का उल्टा कर दिया, इसका उल्टा होगा ये, एवरी का उल्टा सम, इसका उल्टा इसका नेगेटिव, ठीक है जी। ऐसे ही इसको करेंगे कि इसका उल्टा क्या होगा हमारे पास, फोर सम का उल्टा क्या होगा एवरी, ठीक है जी, और इसका उल्टा ये। जैसे भी एग्जांपल लेता हूं आपको क्लियर हो जाएगा, काफी मुश्किल टॉपिक नहीं है, बिल्कुल आसान टॉपिक है। देखिए मेरे पास कोई स्टेटमेंट है जिसमें मैं क्या कहता हूं कि ऑल हस्बैंड्स आर फेड अप With their wives, ये सारे के सारे पति अपनी पत्नियों से भाई पक चुके हैं, फेड अप हो चुके हैं, ठीक है जी। इसका नेगेशन करना है। अभी इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको ऑल के लिए तो ये लिखूंगा और यहां पे क्या लिखूंगा पी एक्स, यहां पे पी एक्स क्या होगा हमारा, देयर इज एक्स फॉर विच पी एक्स का मतलब क्या होगा, हस्बैंड्स आर फेड अप विद देयर वाइफ, ठीक है, एक एग्जाम्पल लेके एक्स में। अब आगे इसका नेगेशन करना है, तो मैं इसका नेगेशन कैसे करूंगा, देखिए इसका नेगेशन मेरे को क्या मिला है फॉर सम, ठीक है जी। तो मैं क्या कहूंगा कि देर इज एक्स और यस देर एग्जिस्ट एक्स फॉर विच इट इज नॉट पी एक्स इज नॉट ट्रू, मतलब कि देर एग्जिस्ट एक्स या क्या लिखेंगे देर एग्जिस्ट हस्बैंड, ठीक है ना, हमें तो उसकी लैंग्वेज लिखना, देयर एग्जिस्ट अ हस्बैंड हु इज नॉट फेड अप विद हिज वाइफ, सिंपल। इसका नेगेशन बनाना है मुझे, ये आ गया कि देयर एग्जिस्ट अ हस्बैंड या सम हस्बैंड हु आर नॉट फेड अप विद देयर वाइफ, इस तरीके से लिख सकते हैं सम के लिए और ये पर्टिकुलर इंस्टेंस को बताने के, ठीक है जी। तो ये था इस तरीके से, इस तरीके से आप इसका भी बना सकते हैं। अब ये देखते हैं कि इसका नेगेशन यही क्यों आया, ये मेन बात है, ठीक है। तो देखिए आप जब हम फॉर ऑल करते हैं या ठीक है ना एवरी करते हैं, कुछ भी करते हैं, बेसिकली जब हम ये लिखते हैं तो इसका कहने का मतलब क्या होता है, हम क्या लिख रहे हैं कि देयर इज पी एक्स वन है हमारे पास, ठीक है,
जिसको हमें ट्रू रखने, ट्रू कब होते जब सारे के सारे एक्स वन एक्स टू सारे के सारे ट्रू हो, जो भी हम इसका डोमेन ले रहे हैं एसीपी एक्स टू एंड ये क्या होगा पी एक्स एन तक जाएगा, ठीक है जी। अब मुझे क्या करना है, इसका नगेशन करना है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसका नगेशन देखिए सिंपल वही फॉर्मूला लगाना, कुछ नहीं करना, हमें नगेशन करना है किसका, पी एक्स वन एंड पी एक्स टू एंड पी एक्स एन तक, ठीक है जी। अब आगे चलिए, ये देखिए आपको पता है डी मॉर्गन्स लॉ लगाते हैं हम, हमारे पास क्या आता है डी मॉर्गन्स लॉ में कि नगेशन निकालते हैं हम पी एंड क्यू का, तो हमारे पास क्या आता है नगेशन ऑफ पी और नगेशन ऑफ क्यू, ठीक है। तो इसको भी वही करेंगे, नगेशन अंदर चला जाएगा, तो नगेशन ऑफ पी एक्स वन और नगेशन ऑफ पी एक्स टू और नगेशन नगेशन ऐसे चल के कहां तक जाएगा, ये हमारे पास नगेशन तक आ जाएगा पी एक्स एन तक, ठीक है जी। ये सॉल्व हो गया। अब ये देखिए और सिंबल आया मेरे पास, और सिंबल में क्या होता है कोई भी एक मेरा क्या हो जाए इसमें, जब सारे के सारे ट्रू है तो इसमें मैं क्या सकता हूँ कि मेरा अगर एक भी ट्रू हो जाएगा तो मेरी स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। बट साथ में क्या नगेशन है, तो किसी एक के लिए कह रहा है या थोड़े सम के लिए कह रहा है, बात वही है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अब कि ये क्या होगा फॉर सम देयर इज नॉट फॉर पी एक्स, ठीक है, इस तरीके से कि कुछ के लिए कुछ हस्बैंड हमारे फेड अप नहीं है, तो ये आएगा इस तरीके से। तो ये था इस वीडियो के अंदर कि नगेशन निकालना हो हम अगर हमें तो हम इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगला टॉपिक कुछ और हमारे पास कंसेप्ट है वो करेंगे क्वांटिफायर के अंदर, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा, जो भी अपने पेपर से किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो मेरी प्लेलिस्ट के अंदर जहाँ पे मैंने सॉल्व इसके पेपर्स या कुछ क्वेश्चन जो भी मुझे मिले जो मैं कर सका था वो मैंने डाल दिए हैं, आप जाइए और सिर्फ बिना देखे मत जाइएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक में जल्दी मिलेंगे, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। वेबसाइट पर जाके कुछ नोट्स अगर डाउनलोड करना चाहे तो दूसरे मेरे सब्जेक्ट के नोट्स उन्हें भी आप कर सकते हैं। तो चलिए थैंक्स।